माजी आपको लगी तो नहीं, आप ठीक तो है? लगी कैसे नहीं? अरे बुढ़िया मैं गाड़ी चला दी, इतना खून बह रहा है। माजी इतना खून तो नहीं निकल रहा। अभी एक कम तय करोगे क्या कितना खून बह रहा है? पुलिस तय करेगी, पुलिस। पुलिस को नहीं बुलाओ प्लीज, मैं आपको इलाज के लिए पैसा देता हूँ, मेरे पास है पैसे, बहुत है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ पैसा। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, बस गाड़ी संभाल के चलाना। अभी कान पकड़ के बोलो गाड़ी संभाल के चलाओगे? गाड़ी गाड़ी ठीक से चलाऊंगा, अब से गाड़ी संभाल के चलाऊंगा। ठीक है, साथ वाले बाजार में जाओ तो मरहम पट्टी करवा लेती हूँ। हाँ हाँ चलिए चलिए माँ जी, आइए माँ जी, हाथ दीजिए माँ जी, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आज मैं क्या सोच रहा था कि हया को एक अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या इंडियन या वेस्टर्न। साड़ी, आई मीन उसे साड़ी अच्छी लगेगी। कूल भाईजान, क्या आइडिया है? यू नो यश चोपड़ा की सारी हीरोइंस साड़ी में क्या हॉट लगती हैं। अब तो मैं साड़ी ही दूंगा। भाई 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 प्लीज प्लीज सुनिए ना, एक छोटी सी चीज भाईजान, मैं सोच रहा था कि हया को हनीमून के लिए ना यूरोप ले जाऊं, यू नो स्विट्जरलैंड, वहां की बर्फ, वहां की वादियां, वहां की ठंड। बट भाई पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि हया इतना दूर आना पसंद करेगी भी या नहीं। अब भाई आपको क्या लगता है, हया कहां जाना पसंद करेगी? काम करता हूं मैं। हाँ कहाँ जा रहे हो भाई? आपके थ्रू पूछने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली हया से पूछ लूं कि वो कहाँ जाना पसंद करेगी। गुड आइडिया ना फैज, बहुत लेट हो गया भाई। क्या है वो, जब तक मैं जान ना लूं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं हया के साथ अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के ख्वाब कैसे देखूंगा? भाई भाई प्लीज, इट्स बिट अर्जेंट प्लीज। क्या हो गया बड़ी अम्मी, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक है, जस्ट रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। हाँ वो क्या है ना, मैं और भाईजान निकाह के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि जो भी चीजें हैं ना पहले से डिसाइड हो जाएं। तो मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम्हें क्या पसंद है। सो बेडरूम का कलर ब्राइट होगा या हल्का सा? ब्राइट ओके। और वेडिंग ड्रेस शरारा या फिर लहंगा?
कुछ भी। ना 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 मोहतरमा, ये कुछ भी से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। ओके एक मिनट, लहंगा। लहंगा ओके कूल। मुझे नहीं पता था राहत कि आप इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। बड़ी होशियारी से फैज को भेज दिया मेरी पसंद नापसंद जानने के लिए और खुद छुप छुप कर देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कहती हो परसों का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं, बस इंजन ऑयल चेंज करना है। सनम बेटा, कल रात तुम काफी परेशान थी ना, तो इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें अपने साथ मार्केट ले चले। आप बताओ अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बेगम साहिब। तुम्हें हम अपने साथ इसलिए लेकर घूम रहे हैं ताकि तुम यहाँ वहाँ फालतू की जांच पड़ताल करती ना फिरो। देखो सनम बेटा, एक लड़की के लिए इतने बड़े शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, और पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सनम बेटा, इन बुरे ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, समझे? एक बात और है जो हम तुमसे कहना चाहते हैं। ये सुनकर तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं सनम बेटा कि तुम अपने अम्मी अब्बू के बारे में जानने की कोशिश ना करो तो अच्छा है। ये सब बंद कर दो। तुम जिस तरफ हाथ बढ़ा रही हो ना, वहां तो छूने के लिए परछाई भी नहीं है। और जख्म पुराने हो या नए, उन्हें कुरेदने से दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं। ठीक कहती हैं बेगम साहिबा, मेरा भी मन यही करता है कि मैं गुजरे हुए कल को छोड़ के आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाऊं। बेगम साहिबा, वो कह रहे कि बस 2 मिनट और लगेंगे। बिल्कुल यही आवाज था। अभी अभी हमसे एक लड़की बात कर रही थी जिसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी सनम। वो भी यही थी, यही अभी यहां से गई है। यहीं कहीं होगी वो लड़की, कहाँ गई? कौन थी वो लड़की बेगम साहिबा? पता नहीं सना, लेकिन एक पल को हमें ऐसा लगा जैसे कि वो तुम हो। देखा हमने तुमसे क्या कहा था कि कभी कभी हम वो सोचने लगते हैं जो हमारे दिल में होता है। बेचारी कोई अजनबी थी, पता है उसे ये तक पता नहीं कि वो भोपाल में है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।